मैं बन रही हूँ। हमारा आज का लेक्चर है किनॉय विनायगल कंडेंसेशन। किनॉय विनायगल कंडेंसेशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड टू अ कार्बोनाइल ग्रुप फॉलोड बाय अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड, हेंस कंडेंसेशन। द प्रोडक्ट इज ऑफन एन अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड इनोन। यानी क्या है, किनॉय विनायगल कंडेंसेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए है, एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जिसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, वो होना ज़रूरी है। और साथ में आपके पास क्या हो, एक कार्बोनाइल ग्रुप हो जो कि आके इसके साथ अटैच्ड होकर इस एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के साथ। और क्या होगा कि रिजल्ट में इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड इनोन। इसकी एक मॉडिफिकेशन रिएक्शन भी है जो कि डॉबनर रिएक्शन कहलाता है, मैं वो आगे उसको एक्सप्लेन करूँगी। किनॉय विनायगल रिएक्शन जो है 1894 में ई किनॉय विनायगल ने रिपोर्ट किया था, और ये रिएक्शन जो है ये डाइथाइल अमीन कैटलाइज कंडेंसेशन है, डाइथाइल मेलोनेट की किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। और उसने फिर क्या किया था कि बिस एडक्ट जो है वो आइसोलेट की थी। और वही सेम बिस एडक्ट जो है इसने फॉर्मल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड के साथ ही कंडेंसेशन रिएक्शन के ज़रिए ही इथाइल बेंजाइल एसीटेट के या फिर एसिटाइल एसीटोन की प्रेजेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के साथ हासिल की थी। 2 ईयर्स लेटर इसने हासिल किया था ये 1896 में। किनॉय विनायगल कैरिड आउट द रिएक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड विद इथाइल एसीटोएसीटेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग फिपरिडीन एज द कैटलिस्ट एंड ऑब्टेन इथाइल बेंजाइलिडीन एसीटोएसीटेट एज द सोल प्रोडक्ट। द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन with active methylene compound in the presence of a weak base। मैं definition बता रही हूँ किनॉय विनायगल की, the reaction of aldehyde and ketone with active methylene compound in the presence of a weak base, जो कि क्या हो सकता है, piperidine हो सकता है, to afford alpha beta unsaturated dicarbonyl or related compound is known as the किनॉय विनायगल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन के जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या हैं, नंबर वन इसमें क्या आपके पास होना चाहिए है, एल्डिहाइड होना चाहिए है, और एल्डिहाइड्स क्योंकि रिएक्ट करते हैं मच फास्टर देन कीटोन, ठीक। नेक्स्ट एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होना चाहिए है, that need to have 2 electron withdrawing group, सही है। ये मैंने आपको लेक्चर्स में बताया भी था, डाइथाइल मेलोनेट की एग्जाम्पल दी थी कि उसके दोनों साइड पे क्या होते हैं, एक्टिव मिथिलीन के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो किनॉय विनायगल में क्या होना चाहिए है, ऐसा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होना चाहिए है जिसके दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। एंड उसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी, मेलोनिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, मेलोनोडाइनाइट्राइल और एसिटाइल एसीटोन। थर्ड क्या होना चाहिए है, द नेचर ऑफ कैटलिस्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड यूजुअली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन एंड देयर कोरस्पोंडिंग अमोनियम सॉल्ट, ये आप जो हैं वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सर्टेन लुइस एसिड
कंबाइन विद अ टर्शियरी अमीन जैसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या ट्राइथाइलामीन, ये यूज़ किए जा सकते हैं। पोटेशियम फ्लोराइड और अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं सच एज एल्युमिनियम फॉस्फेट, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होती है, वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है एंड इट्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है इसकी वजह से जो इसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है ना उसकी यील्ड कम हो जाती है। ये रिएक्शन खुद मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए हुए हैं तो मेरी भी जो रिएक्शन की यील्ड थी, जो यील्ड आती थी वो कम आती थी केनॉय विनेगल में, और उसकी रीज़न यही थी कि जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता था तो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता था, उसका इक्विलिब्रियम जो है वो उसके जो फॉर्मिंग जो उसके वो थे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होती थी उसको वो लेस कर देता था। और इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं वो होते हैं डायपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज DMF, और वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि 1:2 एलिमिनेशन जो है उसको इनहिबिट किया जा सके। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये स्लाइड में मैं दिखा भी रही हूँ यहाँ पे कि ये क्या है हमारे पास। इस स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है जो मैंने बताया है, डाइथाइल मेलोनेट है, मेलोनिक एसिड है, इथाइल एस्ट्रोएसिटेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है जो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, और मैंने कहा कि एल्डिहाइड को हम प्रेफर करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड से रिएक्शन जो है वो मच फास्टर होता है। और जो कैटलिस्ट है इसमें वो हमारे पास वीकली बेसिक अमीन है, यूजुअली यूज्ड पिप्रिडीन। ये इसका रिएक्शन है जिसमें कि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है RCH+CH2COOR ब्रैकेट क्लोज टू, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डाइथाइल मेलोनेट हो सकता है, मेलोनिक एस्टर इसको हम कहेंगे। और बेस हमारे पास क्या है, वीक अमीन बेस होता है जो कि हमारा कैटलिस्ट है, और प्रोडक्ट हमारी क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है। फर्दर अगर आप इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो इसमें से क्या होगा कि एक पहले क्या होगा, ये रिएक्शन जो है इसमें दोनों जो आपके एस्टर ग्रुप हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर एक मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाएगा, तो आपके पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आ जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है, नीचे ऊपर वाली जो एग्जांपल है केनॉय विनेगल की है जिसमें क्या है, पहला मॉलिक्यूल डाइथाइल मेलोनेट है, दूसरा आपके पास एल्डिहाइड है और पिप्रिडीन एज बेस यूज़ हो रहा है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोनाइल प्रोडक्ट हासिल हो रही है। और वहीं पे एरो नीचे आ रहा है जहाँ पे दिखाया गया है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, और हीट अगर दे दी जाए तो आपके पास एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा, दो इथेनॉल के निकलेंगे और आपके पास एक एसिडिक कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं कि आपके पास क्या है, आपने यूज़ कर लिया है मेलोनिक एसिड नीचे वाले रिएक्शन में और साथ में है एल्डिहाइड और पिरिडीन यूज़ किया है यूजिंग हीट, तो डायरेक्ट आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई है और ये कहलाता है डॉपनर मॉडिफिकेशन। ये मैंने नीचे स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये केनॉय विनेगल का मैकेनिज्म बहुत आसान होता है, पहले स्टेप में जो है इनोल की फॉर्मेशन होती है या इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, और उसके लिए क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो पिप्रिडीन का मॉलिक्यूल है ये जाके एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक ये जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है डाइथाइल मेलोनेट एस्टर, ये यहाँ से जो है यहाँ से ये पिप्रिडीन का मॉलिक्यूल ये यहाँ से बेस ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे इस तरफ और रेजोनेंस में चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो
तो ये ईजिली जो है नेगेटिव चार्ज को बेयर कर सकता है। अब ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिए हैं यहाँ पे कि जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा कार्बन की तरफ, तो फिर नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाली कार्बन के ऊपर। तो ये यहाँ पे एनायन बना हुआ है कार्बन के ऊपर और ये नेगेटिव चार्ज अब इस तरफ रेजोनेंस में जाएगा क्योंकि दोनों साइड पे इसके कार्बोनाइल कार्बन मौजूद हैं, तो ये अब इस तरफ जाएगा रेजोनेंस में। तो ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि अब इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और फिर जब ये वापस आएगा तो फिर ये वापस इस कार्बन पे आएगा। और अब ये जो कार्बन है जिस पे कि नेगेटिव चार्ज है, ये जो एक्टिव कार्बन है हमारी कार्बेनाइन है, ये अटैक करेगी एल्डिहाइड के कार्बोनाइल की कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है क्योंकि उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड ऑक्सीजन। तो अब इस कार्बन के और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो पिपरिडीन का मॉलिक्यूल था जिसने कि एक जिसके पास एक प्रोटॉन था, तो यहीं से जो है ये ओ नेगेटिव जो है ये एक हाइड्रोजन ले लेगा और हमारे पास ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। एक और मॉलिक्यूल पिपरिडीन का एज ए बेस रिएक्ट करेगा और जो दूसरा हमारे पास एसिटिक हाइड्रोजन था इस एक्टिव कार्बन के पास, उससे ये जाके दूसरा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये जाएगा टुवर्ड्स दिस बॉन्ड और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा जो कि सॉल्वेंट से एक प्रोटॉन ले लेगा, जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल, या आप देख सकते हैं कि ये H2O वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई कार्बोनाइल प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि किनॉय विनाइगल की प्रोडक्ट है। इसका बहुत आसान मैकेनिज्म है, ये इसका साइकिल बना के मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये डोमिनर मॉडिफिकेशन है जो मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी, इसका स्कोप है। एंड हियर योर लेक्चर इज़ फिनिश्ड।